ओके, लेट्स स्टार्ट आज की क्लास को। बेसिकली हमारे पास 2017 का पेपर है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसकी केस स्टडी सॉल्व करनी है, एक्सचेंज रेट पर है। अच्छा पेपर है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। सही है, अर्जेंटीना के बारे में है, जिस कंट्री ने अभी वर्ल्ड कप जीता है उसी के बारे में केस स्टडी है, और आपको काफी सारी सिमिलैरिटी मिलेगी इसकी और पाकिस्तान की। सही है, सो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला काम कोई भी केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आपने सबसे पहले क्या करने पड़ते हैं, क्वेश्चंस को रीड करना पड़ता है। एक्सप्लेन हाउ अर्जेंटीनाज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन कुड कॉज डाउनवर्ड प्रेशर अपॉन द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट ऑफ द अर्जेंटीन पेसो। सही है, हमने क्लास में क्वेश्चन एक किया होगा कि हाउ डज एक्सचेंज रेट कॉज इन्फ्लेशन। सही, हमने क्वेश्चन ये किया था। आज केस स्टडी का जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है इन्फ्लेशन से एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये देखना है। दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन, मैनेजिंग पैसो टू मेंटेन एन ऑफिशियल एक्सचेंज रेट हैज रिजल्टेड इन द चेंज इन अर्जेंटीनास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स शोन इन फिगर वन, यूज अ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। सो उसमें कुछ डायग्राम्स बनेगा, हिंट दे देता हूँ, इट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एक्सप्लेन व्हाई फिक्सिंग द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ अर्जेंटीनियन पेसो रिजल्टेड इन एन इलीगल ब्लैक मार्केट। तो ये एक और क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट विल डिटरमाइन वेदर द राइज इन द इंटरेस्ट रेट टू 38% विल लोअर इन्फ्लेशन रेट एंड अट्रैक्ट फंड्स इन टू अर्जेंटीना। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी एट एन ऑफिशियल रेट, असेस वेदर ऑन बैलेंस अ फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज लाइकली टू बी मोर बेनिफिशियल। अब हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी को पढ़ना। सबसे पहले हमारे पास केस स्टडी में एक रिजर्व्स का ग्राफ है, अर्जेंटीना का फॉरेन रिजर्व है। तो बात यह है के फॉरेन रिजर्व है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स, और फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास 2011 से अगर हम ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड क्या बन रहा है, इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग अंटिल 2015, और फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। आगे बढ़ते हैं, अब अर्जेंटीनाज न्यू गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड फॉरेन करेंसी कंट्रोल्स। तो कुछ कंट्रोल्स थे वो रिड्यूस किए हैं, हटाए हैं, अलाउइंग इट्स सिटीजंस टू बाय यूएस डॉलर्स फ्रीली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 इयर्स। पहले वहां पर डॉलर्स खरीदने पर पाबंदी थी, पाबंदी बहुत सारे किस्म की हो सकती है। सिंपल एक पाबंदी जो पाकिस्तान में भी है, जब तक आपके पास वीजा नहीं लगा हुआ होगा और आप बाहर ट्रैवल कर नहीं रहे होगा, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, टिकट नहीं है बाहर की, तो आपको नहीं मिलती करेंसी। एक मिनट, ओके, दीज करेंसीज कंट्रोल्स हैव बीन इन प्लेस एज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। द मूव विच ऑफिशियल्स होप विल बूस्ट द फ्लैटरिंग इकोनॉमी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट मैक्री हैज यस येट मेड इन हिज बिड टू रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस दैट मार्क द कंट्रीज इकोनॉमी अंडर द प्रीवियस प्रेजिडेंसीज। रिमूविंग फॉरन करेंसी कंट्रोल वॉज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ मूव प्रेजिडेंट मैक्री हैज मेड सिंस ही टुक ऑफिस। हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑल्सो एलिमिनेटेड मोस्ट फार्म एक्सपोर्ट टैक्सेस एंड कट पर्सनल इनकम टैक्सेस। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है, एक्सपोर्ट टैक्सेस को रिड्यूस किया है, खास तौर पे फार्म एक्सपोर्ट टैक्सेस को। इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर टैक्सेस को रिड्यूस किया जाए, फार्म एक्सपोर्ट टैक्सेस को इम्पैक्ट क्या होगा, पार्टिसिपेट करो भाई।
चैट पे नहीं बताएं, अनम्यूट करके बताएं। आवाज ही नहीं आ रही भाई किसी की। अबे अरे भाई खुद जवाब बोलिए। दे, जवाब देना है भाई, सारे बच्चे सुन बैठे हैं, 8-10 बच्चे हैं, 8-10 बच्चे जवाब तो देंगे ना कुछ ना कुछ यार, ऐसे सुन बैठे होंगे तो कैसे मजा आएगा। सर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे। अरे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे भाई, जबरदस्त। बाकी हजरात भी जवाब देते रहे। द डिसीजन कैरी सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म रिस्क बट इक्वली लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड, इट लीड्स टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, लिफ्ट द कंट्रीज फॉलिंग एक्सपोर्ट सेक्टर। इन शॉर्ट टर्म द मूव इज लाइकली टू कॉज द बिगेस्ट करेंसी डेप्रिसिएशन सिंस अर्जेंटीनाज इकोनॉमिक मेल्टडाउन इन 2002। ये जो बात कर रहा था ऊपर के लोगों को डॉलर्स परचेज करने दिए जाए, तो ये फ्रीली बाय कर सकते हैं, इससे लोकल करेंसी को लोग सेल करना शुरू करेंगे क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, और क्या बाय करेंगे, डॉलर्स बाय करना शुरू कर देंगे, जिससे डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट अर्जेंटीनियन करेंसी द पैसो टू फॉल फ्रॉम इट्स करंट ऑफिशियल एक्सचेंज रेट 9.8 टू समथिंग क्लोजर टू द रेट यूज इन ब्लैक मार्केट्स यानी इलीगल मार्केट्स, अबाउट $1 इज इक्वल टू 14.5 पैसोस। दिस वुड बी अ फॉल ऑफ अ थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू, 1/3 वैल्यू पैसों की कम हो जाएगी। और यही चीज आपको पाकिस्तान में भी दिखती है। पाकिस्तान में अगर ऑफिशियल रेट आज आप देखें इंटरनेट पे, अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ऑफिशियल रेट हमारे पास क्या चल रहा है, तकरीबन 257। लेकिन अगर मैं बाय करने जाऊंगा मनी एक्सचेंज में, वो मुझे 265 पे बेचेंगे। ये एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हुई है हमारे यहाँ पे भी, यानी ऑफिशियल रेट जो सेंट्रल बैंक ने दिया हुआ है उस पे कोई भी डॉलर नहीं दे रहा, उससे महंगा डॉलर बेचा जा रहा है। आगे, लिफ्टिंग फॉरेन करेंसी कंट्रोल्स ऑन द सेम डे द यूएस सेंट्रल बैंक रेस्ड इट्स इंटरेस्ट रेट। अब जब भी इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट आएगा, आपके दिमाग में एक चीज क्लिक हो जानी चाहिए, वो क्या है, हॉट मनी फ्लोज। हॉट मनी फ्लोज का जो कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा मुल्क के अंदर इनफ्लो आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो आउटफ्लो भी कम होगा। सही है, तो जिस दिन हमने एक्सचेंज कंट्रोल्स हटाए थे उसी दिन इंटरेस्ट रेट्स यूएस के, इम्पोर्टेंट क्या है, यूएस के सेंट्रल बैंक बढ़ गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2006, मेकिंग इट रिलेटिवली हार्डर फॉर अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग अर्जेंटीना टू अट्रैक्ट फंड्स। अब अगर अमेरिका जैसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो फिर आप पाकिस्तान या अर्जेंटीना जैसी इकोनॉमी में पैसा क्यों डालोगे, इट मेक्स नो सेंस। अ वीकर पैसो विल एड टू द कंट्रीज ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन रेट ऑफ 25%। तो इन्फ्लेशन रेट वैसे ही 25% है। ट्राइंग टू कंट्रोल प्राइसेस एंड अट्रैक्ट फंड्स, अर्जेंटीना सेंट्रल बैंक रेज द इंटरेस्ट रेट टू 38%। इंटरेस्ट रेट इन लोगों ने कितना कर दिया, 38%, और इन्फ्लेशन रेट कितनी है, 25%। पूरी दुनिया में यही होता है, जितना आपका इन्फ्लेशन रेट होगा उससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट होगा, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में आज आज यानी मतलब 1-2 दिन पहले ही टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। वैसे हमारा इंटरेस्ट रेट 17% था, इसको हमने बढ़ा दिया है 19% है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट 19% है, लेकिन हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन 30% से ज्यादा है। तो पाकिस्तान का हाल देखो और पूरी दुनिया का हाल देखो, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन रेट कम होता है, हमारे मुल्क में उल्टा है, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट कम है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। भारत एमिड रैम्पेंट इन्फ्लेशन एंड लैक ऑफ फेथ इन पैसो। सही है, यानी इसका मतलब ये हो गया इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। सही है, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड लैक ऑफ फेथ इन पैसो
अर्जेंटीनियन कंज्यूमर्स एंड फर्म्स सॉट सिक्योरिटी इन होल्डिंग यूएस डॉलर। तो भाई पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, हर दूसरे बंदे ने क्या किया हुआ है, डॉलर में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वही काम ये अर्जेंटीना में हो रहा है। कंबाइंड विद राइजिंग डिमांड फ्रॉम अर्जेंटीनाज गवर्नमेंट विच नीडेड यूएस डॉलर्स टू मेक डेट पेमेंट। अब ये अर्जेंटीना की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की कहानी है एज इट इज। पाकिस्तान में भी यही कॉन्सेप्ट है, टू पे फॉर एनर्जी इम्पोर्ट्स। आपके मुल्क में भी यही मसला आ रहा है ना, लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि आपके पास तेल नहीं है, तेल नहीं है तो बिजली नहीं है। तो फिर शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि भाई 8:30 बजे मार्केटें बंद कर दो, और लोग बोल रहे हैं कद्दू बंद करते हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं ना लोग। दिस रिजल्टेड इन अ शॉर्टेज ऑफ यूएस डॉलर्स इन अर्जेंटीना। शॉर्टेज बहुत इंपॉर्टेंट खिताब किया है यहाँ पे जिसने भी किया है। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम फॉर्मर प्रेसिडेंट क्रिचनर लार्जली बैंड द सेल ऑफ यूएस डॉलर्स इन 2011। तो 2011 में फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी पिछले प्रेसिडेंट ने यूएस डॉलर की बाइंग एंड सेलिंग पे ही पाबंदी लगा दी। सही है, तो अगर सेल करने की इजाजत नहीं है तो कोई बाइंग भी नहीं करेगा ना। लेकिन इसका ये इम्पैक्ट हुआ कि ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई। भाई तुम और मैं जब पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पे हालात खराब है, तो हम तो अपना पैसा सारा डॉलर में रखेंगे। अब अगर नहीं मिलेगा तो कहीं से तो खरीदना है। दिस लीड्स टू अ ब्लैक मार्केट इन द इकोनॉमी। द बैन फेल्ड टू कंटेन इन्फ्लेशन विच वॉज अमंग द वर्ल्ड हाइएस्ट थ्रू आउट प्रेजिडेंट क्रिचनर्स टर्म ऑफ ऑफिस। Meanwhile, firms struggled to obtain US dollars to buy parts and equipments, stifling growth and sometimes causing to depend on imported supplies and equipment. तो ये हो गया आपके पास पूरी केस स्टडी। आज जो है वो मुझे चैट पे जवाब दें जल्दी या अनम्यूट करें या थम्स अप दे दें। केस स्टडी अगर पढ़ ली समझ में आ गए। ओके, आशिष ने थम्स अप दे दिया, एक थम्स अप आ गया। ओके चलो, जिंदा हो जिंदा हो। मेरी आवाज सही नहीं आ रही है क्या? आगे बढ़ते हैं। सही आनी चाहिए। बहरहाल, क्वेश्चन नंबर 1A, एक्सप्लेन हाउ अर्जेंटीनाज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन कुड कॉज अ डाउनवर्ड प्रेशर अपॉन द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट ऑफ द अर्जेंटीनियन पेसो। सवाल क्या है कि इन्फ्लेशन से एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे आप लोग हेल्प करें, जरा अनम्यूट करें और मुझे जवाब देना शुरू करें, क्या इंपैक्ट होगा। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो आवाज कैसे आएगी। मैं पूछ रहा हूँ, ए का पार्ट वन एक्सप्लेन करो ना भाई। कैसे आंसर होगा? ओके, जब भी आपके मुल्क में इन्फ्लेशन होगी तो इंपैक्ट क्या आएगा? इन्फ्लेशन जब भी हाई होगी आपके लोकल प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? सही लोकल गुड्स विल बी एक्सपेंसिव। तो जब एक्सपेंसिव हो जाएंगे एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपके मुल्क में एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम। एक्सपोर्ट्स कम होंगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा? डिमांड हो जाएगी कम।
डिमांड अगर आपकी लोकल करेंसी की कम हो जाएगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपका एक्सचेंज रेट वीक हो जाएगा, दिस इज द डाउनवर्ड प्रेशर, इसकी बात हो रही है, सही है? तो डिमांड कम होने की वजह से डाउनवर्ड प्रेशर होगा, इसको कर लें कॉपी। इसको करने कॉपी, ये नेक्स्ट क्लास में मैं जब आऊंगा ना तो मुझे ये पूरा आंसर प्रॉपरली फॉर्म चाहिए आप लोगों के पास, आपके रजिस्टर्स में। ओके, डन। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ मैनेजिंग द पैसो टू मेंटेन एन ऑफिशियल एक्सचेंज रेट हैज रिजल्टेड इन द चेंज इन अर्जेंटीनियंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शोन इन फिगर 1। यूज अ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर, ये इंपॉर्टेंट है। यूज अ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। अब इसको समझते हैं, सबसे पहले तो ऑफिशियल फिगर 1 को देख लेते हैं, जहां पे अर्जेंटीना का फॉरेन रिजर्व है। फॉरेन रिजर्व क्या हुआ है, कम हुआ है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन या डायग्राम क्या बनेगा, हमने फॉरेन रिजर्व्स कम किया है, मतलब डॉलर्स के साथ क्या हुआ है, डॉलर्स को हमने क्या किया होगा, बाय किया होगा या सेल किया होगा, अगर हमारे पास डॉलर्स कम हो गए। हमने डॉलर्स को क्या किया होगा, सेल किया होगा। डॉलर्स को सेल किया होगा तो बदले में हमने क्या बाय किया होगा, लोकल पैसों को बाय किया होगा, तो हमारा एक्सचेंज रेट में यही कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखें हो क्या रहा होगा, यहाँ पर देखें, एक तरफ आपने लिखा एक्सचेंज रेट, आपने बनाया डिमांड सप्लाई, ये आपके पास एक्सचेंज रेट आपने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, सही है? अब आपके मुल्क में हुआ क्या होगा, आपके मुल्क में सबसे पहले सप्लाई बढ़ी होगी। सर आपको कैसे पता सप्लाई बढ़ी होगी, क्योंकि आपकी करेंसी तो वीक हुई है, सही है ना, आपकी करेंसी वीक हो रही है, आप उसको स्टॉप करने के लिए क्या करने की कोशिश करोगे, डिमांड बढ़ाओगे, तो आपकी करेंसी S1 पे वीक हुई है, एंड इवेंचुअली आप अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आप बाय कर रहे हो पैसों को, मतलब आप आर्टिफिशियली डिमांड को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम एंड द एक्सचेंज रेट विल बी फिक्स्ड एट ई। अगर कोई बच्चा सिर्फ एक ग्राफ बनाता है जिसमें वो डिमांड को बढ़ा देता है, क्योंकि डिमांड ही बढ़ रही है ना, तो डिमांड को बढ़ा देता है, ये भी सही है, क्योंकि इम्पैक्ट यही हो रहा है कि हम पैसों को बाय कर रहे हैं और ग्राफ में डिमांड ही असल बढ़ेगी, तो असल कॉन्सेप्ट यही है कि आपने डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड को क्यों बढ़ाना है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि आपके पास रिजर्व्स कम हो रहे हैं, यू आर सेलिंग योर डॉलर्स एंड इन एक्सचेंज यू आर बाइंग पैसोस। इसका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी मैनेज्ड कॉन्सेप्ट क्या है, कि पहले एक्सचेंज रेट वीक हुआ होगा, तो वीक किसी भी वजह से हो सकता है, सप्लाई बढ़ने की वजह से वीक हो गया, तो आप पहले शो करेंगे कि ये वीक हुआ है, और गवर्नमेंट ने फिर पैसों को बाय करके और डॉलर्स को सेल करके अपनी डिमांड बढ़ा के एक्सचेंज रेट को ई पे फिक्स कर दिया। तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ग्राफ कॉपी कर लें एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If you're done copying, let me know. Okay, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी जो कि 3 मार्क का है, एक्सप्लेन व्हाई फिक्सिंग द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ अर्जेंटीनियन पेसो रिजल्टेड इन एन इलीगल मार्केट। तो इसका आंसर आपको मिलेगा इस पैराग्राफ में। तो जरा इस पैराग्राफ को पढ़ें और बताएं कि ब्लैक मार्केट क्यों क्रिएट हुई। आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन भी आपके सामने नीचे है और जो पैराग्राफ में आंसर मिलेगा वो ऊपर। शॉर्टेज की वजह से। तो आपके पास 3 मार्क का आंसर है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि भाई आपके पास पहला कस्टमर्स आर होल्डिंग सिक्योरिटीज, होल्डिंग डॉलर्स फॉर सिक्योरिटी। सेकंड आप लिखेंगे कि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट भी ज्यादा डिमांड कर रही है फॉर डेट पेमेंट्स एंड टू पे फॉर एनर्जी इंपोर्ट्स, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई है। अब जब शॉर्टेज हो गई है तो उसकी वजह से क्या हो गया? ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई है। एंड देन यू कैन राइट ब्लैक मार्केट में हो क्या रहा होगा। ब्लैक मार्केट में डॉलर्स एक्सपेंसिव रेट पे सेल हो रहा होगा। सो यू कैन ऐड दिस पॉइंट टू योर आंसर। तो ये 3 पॉइंट्स है आपके पास, डेट पेमेंट्स, एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ले रही थी, कंज्यूमर्स बाय कर रहे थे होल्डिंग पर्पजेस के लिए क्योंकि मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा थी। तो अगर इस आंसर को मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा इस तरीके से आंसर को। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले, अगर आपके पास इन्फ्लेशन ज्यादा है तो परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? डॉलर्स में इन्वेस्ट कर लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये लिखेंगे, परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे किसमें? डॉलर्स में। दूसरा डेट की रीपेमेंट के लिए और एनर्जी को पे करने के लिए, हम डॉलर्स में पे करने के लिए गवर्नमेंट डिमांड कर रही है जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से एट द एंड ब्लैक मार्केट क्रिएट हुई है। और ब्लैक मार्केट में अगला पॉइंट आप लोगों को लिखना है कि ब्लैक मार्केट पे रेट ज्यादा है, हायर, सही है? तो ये एक इशू है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पार्ट सी। पार्ट सी का अगर आप मुझे कोई भी बच्चा आंसर बता दे, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली एड्रेस करता है कि इकोनॉमिक्स में मार्क्स क्यों नहीं आते बच्चों के। पार्ट सी, पार्ट सी, टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू फिगर आउट द पॉइंट्स व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द पेपर। पार्ट सी, टेक योर टाइम, चैट पे मुझे बताओ।
ओके, मशारिब ने एक पॉइंट बताया, मैं आपको बताता हूं यहां पे आप क्या लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, आप बोलेंगे सबसे पहले कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो लोग सेव ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। सही, ये आप बोलेंगे। दूसरा पॉइंट आप बोलेंगे, अगर और एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डीपीआई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इससे हॉट मनी इनफ्लो बढ़ जाएगा। हॉट मनी इनफ्लो बढ़ेगा, उससे आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। यहां तक बात समझ में आ गई? ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर कोई बच्चा ये लिखेगा ना, इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसको एक मार्क भी नहीं मिलेगा। क्योंकि द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट वुड हैपन इफ द इंटरेस्ट रेट राइजेस, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट विल डिटरमाइन कि जब इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो इन्फ्लेशन कम और फंड्स ज्यादा आएंगे। तो फैक्टर्स पे आपने बात करनी है, आपने मुझे ये नहीं बताना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगी, ये हॉट मनी इनफ्लोज आएंगे और करेंसी स्ट्रांग होगी, आपने मुझे ये नहीं बताना। ये बताओगे मैं आपको 0 मार्क्स दूंगा, एज सिंपल। सबसे पहले क्या फैक्टर्स हैं, आप फैक्टर्स पे अब मैं बात करना शुरू करूंगा, अब आप फैक्टर्स देखें। सबसे पहले आप बोलेंगे फ्यूचर अनसर्टेनिटी। अब पाकिस्तान में कोई पैसा लेके आएगा और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो कोई भी बंदा जब पैसा लेके आएगा तो वो क्यों लेके आएगा अगर उसको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में कितनी अनसर्टेनिटी है। तो ऑल दो द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, फ्यूचर अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे मुल्क में पैसा आएगा ही नहीं, एज अ रिजल्ट हॉट मनी इनफ्लोज होंगी नहीं। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन करंटली इन द इकोनॉमी। वो बोला है 25% इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर लोगों की इनकम इतनी बड़ी भी नहीं है और दे आर लिविंग हैंड टू माउथ, रियल वेजेस और परचेजिंग पावर कम है, तो भाई इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट ज्यादा भी कर दोगे तो जब पैसा ही नहीं है तो वो सेव कहां से करेंगे, और सेव नहीं करेंगे तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कैसे कम होगा। फ्यूचर अनसर्टेनिटी को आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट के साथ भी लिंक कर सकते हैं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे लिंक करेंगे भाई, जब मुल्क के हालात इतने खराब हैं, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है और इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कम ही होंगी, तो पॉजिटिव्स भी लिख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर अनसर्टेनिटी इज वन पॉइंट, करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अनदर पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज यूएस इंटरेस्ट रेट। उसने बोला कि यूएसए में भी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो हॉट मनी इनफ्लोज हमारे मुल्क में होंगे या अमेरिका में? हमारा इंटरेस्ट रेट 38% होगा ना, फिर भी हमारे मुल्क में इनफ्लोज नहीं होंगे, और अमेरिका में अगर 4% भी होगा ना, वहां हॉट मनी इनफ्लोज होंगे। क्यों? वहां की इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है। तो हमारे मुल्क में फंड्स आएंगे या नहीं आएंगे, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यूएस का इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है, और उसने बोला है कि यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। तो इन पॉइंट्स पे आपके मार्क्स है, ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है, ये जो रेड में लिखा है, यू जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, यू आर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट, उसका इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड हॉट मनी फ्लोज, दैट इज इट। सो यू डोंट गेट एनी मार्क्स फॉर दैट। आगे पे बात समझ में? द लास्ट क्वेश्चन डी, जो कि 6 मार्क का है, डिस्कस वेदर एडवांटेजेस ऑफ फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ अ करेंसी एट एन ऑफिशियल रेट।
एडवांटेजेस बताने हैं, असेस वेदर ऑन बैलेंस ऑफ फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज मोर लाइकली टू बी बेनिफिशियल फॉर अर्जेंटीना। अब इसमें हमें एडवांटेजेस बताने हैं फिक्स्ड के, और फ्लोटिंग के भी हम एडवांटेजेस बता सकते हैं, सही है, दोनों है डिस्कस वाला। तो हम फिक्स्ड पे अगर बात करते हैं तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का हमारे पास क्या फायदा है, सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी आएगा तो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान है, इसका नुकसान क्या है, हमारे पास रिजर्व्स होने चाहिए, लेकिन रिजर्व्स तो हमारे पास खत्म हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, तो क्या हम अपनी करेंसी को फिक्स रख पाएंगे, जवाब है नहीं। दूसरा, फ्लोटिंग के फायदे और फ्लोटिंग के नुकसान क्या है। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो सेल्फ करेक्टिंग है, सेल्फ करेक्टिंग है। इसमें फायदा पता ही क्या है कि गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसीज पे अपना दिमाग खपा सकती है, दूसरी पॉलिसीज बना सकती है, सही है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पे अपने आप को यूज कर सकती है, रादर देन कंटिन्यूअसली फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। तो एक बर्डन गवर्नमेंट के तौर पे कम हो जाता है, सेल्फ करेक्टिंग है, खुद ही सही हो जाएगा। और दूसरा इसका जो फायदा है, अगेन ये रिजर्व्स वाला फायदा ही है फ्लोटिंग का, कि भाई आपको रिजर्व्स की जरूरत नहीं होगी, एंड यू कैन यूज द रिजर्व्स इन ऑर्डर टू फंड योर इम्पोर्ट्स, एंड देन यू कैन राइट अ कंक्लूजन कि ओवरऑल क्या बेहतर है। तो आप लिख सकते हैं, अ मैनेज फ्लोट वुड बी बेटर फॉर द इकोनॉमी, बट इट डिपेंड्स ऑन द रिजर्व्स द गवर्नमेंट हैज, सही है, तो इस पे डिपेंड करता है। दिस इज योर एंटायर 20 मार्क केस स्टडी कंप्लीटली ऑन एक्सचेंज रेट्स, वन ऑफ दोज फ्यू केस स्टडीज दैट आर सोलली ऑन वन टॉपिक, सही है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेशन का भी जिक्र है, लेकिन ये प्योरली एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मुझे हर बच्चे का आंसर प्रॉपरली रिटर्न चाहिए, सो द पेपर इज अक्टूबर नवंबर 2017। आप केस स्टडी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको पीडीएफ सेंड भी की हुई है पेपर 15 से लेकर 21 तक की, और आप मार्किंग स्कीम की भी हेल्प ले सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क नाउ, और यू कैन सिंपली लीव द मीटिंग इफ यू आर डन।